लॉन्ग टर्म शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हैं तो देखिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही चर्चित स्टॉक है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं और प्राइस भी छोटी है, 9 रुपये कुछ पैसे के। अभी हम देख लेंगे कितने पैसे पे है। और उस कंपनी का नाम है सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड। और सांवरिया के बारे में मैं कुछ पढ़ रहा था, देख रहा था, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जान रहा था। देखिए, यहाँ पे अभी मनी कंट्रोल की साइट पे हैं और आज, मतलब आज तो है, खैर 6 अप्रैल, आज सैटरडे है और त्यौहार भी है, गुड़ी पड़वा, नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं हमारे सब्सक्राइबर्स को। 5 अप्रैल को जो इसका भाव लास्ट ट्रेड हुआ था BSE पे 9 रुपये 46 पैसे पे, और देखिए 52 वीक लो था 8 रुपये और हाई बनाया था 24 रुपये। एक साल बाद पहले हाई था इसका 24 रुपये 20 पैसे। और देखिए यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, सांवरिया कंज्यूमर सेंटीमीटर पे जो लोग हैं, लोगों के जो वोटिंग है, जो लोग कह रहे हैं, जिनका कहना है कि 100% बाय इट, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, वाह, मैं आप सभी को जो है प्रणाम करता हूँ। मार्केट कैप है 696 करोड़ की, याद रखिएगा 696, चलिए हम इसको 700 करोड़ के लमसम मान लेते हैं, 700 करोड़ की, 696 करोड़ 35 लाख की मार्केट कैप है। अर्निंग पर शेयर है 2 रुपये 9 पैसे, मतलब एक शेयर पे इतनी कमाई है, चलिए अच्छी बात है। अगर 9 रुपये का स्टॉक है, 2 रुपये कमाई है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। पी देखिए 4.53 की, ये भी इंडस्ट्री पी है 13.68 की, तो चलिए पी भी अच्छी है, बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा है बुक वैल्यू से, 6.21 की, और प्राइस जो है 9 रुपये का, दैट्स नाइस। प्राइस टू बुक है 1.52 की, फेस वैल्यू 1 की है और डिलीवरेबल है 62.97% की, डिलीवरी भी भर रखा है लोगों ने ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए हम लोग अभी आ चुके हैं बैलेंस शीट पे और टोटल जो कर्जा है 990 करोड़ का, 84 लाख, तो मतलब कंपनी की जो वर्थ हमने यहाँ पे देखी 600, मार्केट कैप है 696 की और कर्जा है इस पे 900 का, मतलब जितनी इसकी वैल्यू औकात है, जो कैपिटल है, उससे ज़्यादा तो इन्होंने कर्जा ले रखा है। ये मुझे थोड़ा सा अखरता है फ्रैंकली, फिर भी कोई बात नहीं, कर्जा भी इतना हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेट सेल्स देख लेते हैं। नेट सेल्स में देखिए, अगर हम मार्च 18 और जून 18, सितंबर 18, दिसंबर 18, ये जो लगातार जो क्वार्टर में, तो यहाँ पे मार्च 18 में 1407 करोड़ की थी नेट सेल्स, तो जून 18 में 1198, सितंबर 18 में 1292 करोड़ की और दिसंबर 18 में 1301। तो चलिए क्वार्टर वाइज हम देख लेते हैं, सितंबर 18 में थी 1292 और दिसंबर 18 में 1301 करोड़ की। तो चलिए यहाँ पे जो है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स, नतीजे अच्छे हैं, बढ़त है। PBDIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे जो 75 थी, यहाँ पे 76 करोड़ है, जो भी वो प्लस में है थोड़ी सी। नेट प्रॉफिट में यहाँ थोड़ी सी डाउन साइड है मुकाबले बजाय सितंबर 18 के, दिसंबर 18 में 1 करोड़ कुछ की डाउन साइड है, तो यहाँ पे 43 करोड़ 9 लाख की थी, यहाँ 42 करोड़ 80 लाख की रह गई है, कोई बात नहीं। तो ये कर्जा ने मुझे झटका दिया, लेकिन फिर भी हम चलेंगे उनके प्रोडक्ट्स देखते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या। देखिए सांवरिया कंज्यूमर की वेबसाइट पे हैं बेसन, सूजी, शुगर, सांवरिया की ज़बरदस्त खाने पीने के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दलिया, मैदा, आपको मॉल्स में, कहीं भी मॉल्स में जाते होंगे तो आपको ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट्स दिख जाते होंगे। सांवरिया प्रीमियम बिरयानी कॉम्बो, राइस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सांवरिया सेट एक्सोटिक बासमती राइस है ना, तो आपने भी खाए होंगे, आपने भी देखे होंगे। सांवरिया रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, एडिबल मतलब ऑयल से रिलेटेड कंपनी है, ज़बरदस्त। तो प्रोडक्ट्स भी हमने झलक देख लिए कि राइस, दाल, ऑयल, शुगर, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, पोहा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त कंपनी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरी साइड पर भी चेक कर लें। देखिए
मैनेजमेंट ग्रोथ और कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वालिटी को दिया गया है एवरेज क्वालिटी कंपनी। सेल्स ग्रोथ है 18.64% की, EBIT ग्रोथ है 28.05% की, और वैल्यूएशन अभी फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक है, एक्सपेंसिव पे नहीं है। तो पी रेशियो इसका हम देख चुके हैं, ROCE है इसका 10.03% की, ROE है इसका 31.12% की, नो डाउट ये भी ठीक ठाक लग रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, ये भी अच्छी बात है। और रिटर्न भी देख लेते हैं, रिटर्न में जहाँ 10 सालों में आपने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आपको आपके 1,06,000 रुपए हो चुके हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट में भी डाले होते तो भी ज़बरदस्त आपके अच्छा रिटर्न मिल जाता, डबल से ज़्यादा मिल जाता। 5 सालों में 164% का, चलो ये मान लेते हैं कि 4 सालों में 213% का, ये भी अच्छा है। 3 सालों में 210% का, ज़बरदस्त है। 2 सालों में 160% का रिटर्न, ये भी अच्छा है। 1 साल में अगर आपने 1 लाख डाले तो आपके हो गए 49,000, मतलब 51% की डाउन साइड है। ईयर टिल डेट जनवरी से 16% की डाउन साइड, 6 मंथ में 9% की डाउन साइड, 3 महीने में करीब 7.5% की डाउन साइड, 1 महीने में 3% की डाउन साइड, 1 वीक में 4% के आसपास रिटर्न देने की कोशिश की, और 1 डे में 0.75%, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे अपसाइड दिखा रहा है। और शेयर होल्डिंग परसेंट में प्रमोटर्स के पास जो 64.05% की होल्डिंग है उसी में से इन्होंने 15.53% के आसपास इन्होंने गिरवी रखी है। तो ये जो होल्डिंग जो प्रमोटर्स अपने स्टेक्स बेचते हैं या गिरवी रखते हैं तो ये जो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास बहुत कर्जा है तो, और होल्ड इनके जो शेयर्स हैं वो भी गिरवी रखे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे कंपनी को खाती जाती खाती जाती खाती जाती है। ज़ीरो है म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स, FIIs भी यहाँ पे ज़ीरो है। इन्होंने देखो समझदारी का इन्होंने परिचय दिया है कि जब तक कंपनी में कर्जे से उबर के नहीं आती और बहुत अच्छे फाइनेंशियल ट्रेंड नहीं होते तब तक इन्होंने पैसे नहीं डाल रखे। हाँ, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने देखिए 28%, खुदरा ग्राहक 28.01% की यहाँ पे पैसा लगा रखे। राइस एंड राइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, प्राइवेट हाउस है, 1991 से यहाँ पे इंसेप्शन है, और डिविडेंड इन्होंने 17 में दिया, 18 में बंद कर दिया। इसका मतलब उसके बाद से फिर इनकी हालत ख़राब है, क्योंकि अगर आदमी डिविडेंड कंपनी कोई पे करने बंद कर दे तो समझिए कि थोड़ा सा कुछ झटका है, डामाडोल है, और अपनी इंडस्ट्री में थर्ड पोजिशन पर है। तो फ्रेंड्स अभी इस पर क्या करना चाहिए, हमने कर्जा दिखा दिया है क्योंकि कंपनी इस वजह से नहीं उबर पा रही है, और रेट तो खैर अट्रैक्टिव लग रहा है, और अभी के जो फाइनेंशियल रिटेल्स भी लोग कह भी रहे हैं कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो मैं इसमें यही एक सलाह दे सकता हूं कि जब तक कंपनी का कर्जा ख़त्म ना हो जाए, प्रोडक्ट्स कितने भी अच्छे हों, लेकिन 10 सालों में आपको रिटर्न नहीं दिया है ज़बरदस्त, 5 सालों में आपको ज़बरदस्त रिटर्न नहीं दिया है, तो कोई मुझे बताएगा अगर आप लोगों में से किन्हीं ने आज से 5 साल पहले 10 साल पहले पैसे लगाए हों और आपके पैसे आज कितने हैं, मुझे कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में। आने वाले फ्यूचर में कितना मिलने वाला रिटर्न तो अभी मैं क्या बताऊं, क्योंकि कितना कर्जा है तो जो भी इसकी कमाई होती है, देखिए रिटर्न कैसे मिलते हैं, कंपनी जब कमाती है प्रॉफिट में आती है तो काफ़ी ग्रोथ होती है, सेल्स ग्रोथ बढ़ती है, तो उस जब प्रॉफिट में आती है तब उसका प्रीमियम भागता है और एक्सपेंशन करती है कंपनी, तो इस हिसाब से रिटर्न मिलते हैं। लेकिन जब कर्जे में डूबी हुई कंपनी है तो जो उसकी इनकम है जितनी उसकी औकात है उससे ज़्यादा कर्जा है, तो होता क्या है कि जितना भी कमाएगी तो वो तो सब उसी में इंटरेस्ट चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में वो ख़त्म हो जाएगी, और धीरे 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 चुकाते 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 कर्जा और लेते रहते लेते 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 करते 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 इतने ज़्यादा कि एक टाइम पे आने के बाद, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दिवालिया हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ कि कंपनियों का क्या हाल होता है। ये तो मैं जस्ट अभी इस पे मेरी इस स्टॉक पे मेरी नज़र नहीं थी तो मैंने काफ़ी पढ़ा इसके बारे में, काफ़ी और भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स देखी, मैं आपको जो 20-25 चीज़ें देखा वो सारी डिटेल्स नहीं बता सकता क्योंकि बारीकी से देखना पड़ता है, तो और भी कुछ कमियां नज़र आई लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन कर्ज़ा इग्नोर नहीं कर पाया क्योंकि हद से ज़्यादा कर्जा है इस कंपनी में। तो आने वाले भविष्य में अगर हमें इसमें पोटेंशियल दिखता है कि कर्जा वर्जा कम हो जाता है और नेट सेल्स ज़बरदस्त बढ़ने शुरू हो जाती है, अर्निंग प्राइस और बढ़ती है, EPS और अच्छा हो जाता है, नेट सेल्स और अच्छा हो जाता है,
तो फिर हम देखेंगे उस समय कॉल दे सकते हैं कि चलो भाई इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं तो इसमें अवॉइड ही करूँगा कोई अपना इन्वेस्टमेंट करने से। और मैं आप दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कुछ लोग हो सकता है कि इसमें बने हों और शॉर्ट टर्म पीरियड में कभी कमा भी लिया हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कमाने वाले कमा लेते हैं, वो ट्रेडर्स कहलाते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड में किसी स्टॉक में घुस गए और देखा कि 2-4 रुपये बढ़ गए, बेच लिया फिर कमा लिया तगड़ा, उनकी नज़र रहती है, तो वो अलग चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म पर्पस से, चूंकि हमारे चैनल का नाम ही है लॉन्ग टर्म शेयर्स, तो मैं इस पर अभी आपको लॉन्ग टर्म पर्पस से अभी मैं नहीं कह सकता आपको, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे ऐसे मैंने कंपनीज़ के वीडियोस बनाए हैं जिन्होंने ज़बरदस्त एक्सेलेंट क्वालिटी कंपनी है और पिछले 10 सालों में ज़बरदस्त कमाया है, अच्छा रिटर्न दिया है, लाख करोड़ों बना दिए हैं आपके लाखों रुपये के। तो फ्रेंड्स, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले बेचने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।